और आज इनका पहला दिन है ट्रेनिंग का। बाजरा चने और वो गंदम देना है। ये देखिए ये उड़े हैं, तो बहुत ही नायाब जोड़ा है, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। चूजे हैं असील, अगर आप करीब से देखें तो। कबूतरों को इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे माशाल्लाह, ये बच्चों की पलवाई है, आप देख ले। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौके कबूतर परवरी। आज संडे का दिन है, और ये संडे नहीं होता बल्कि मेरे लिए कबूतर परवरी डे होता, तो आज फुल टाइम कबूतर परवरी हो रही है। और बच्चे छोड़े हुए हैं कुछ पुराने, उनका आपको शौक करवाते हैं। ये देखें पुराने परवाजी बच्चे हैं, अगर आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर, दो ये फिर रहे और दो ऊँचे हुए हुए हैं, ज़रा चार टोटल बच्चे थे पुराने। ये आ गए, ये दो पुराने परवाजी बच्चे, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं, और दो बच्चे ये नंगे फिर रहे हैं सामने, दो ये ऊपर आ गए हैं बिल्कुल छत पे। ये तो हो गए पुराने बच्चे। ये हमने छोड़े हैं कुछ नए बच्चे, इनको उड़ाने के लिए तैयार करना हमने। अगर मैं क्लोज करके आपको दिखा सकूँ तो, माशाल्लाह बिल्कुल नए बच्चे, अभी अभी अपने माँ बाप से इनको अलग किया है, और आज इनका पहला दिन है ट्रेनिंग का। ये पीछे इनका खुडा है, लॉफ्ट है इनका, और इनको बाहर रखा हुआ है, आज पहला दिन है बिल्कुल, इनको बाहर निकाला है। और मेरी ट्रेनिंग करवाने का यही तरीका होता है कबूतर पक्के करने का, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, हर बंदे के अपने तरीके होते हैं, मेरा ये ज़ाती तरीका है बहरहाल, क्योंकि मैंने किसी ऊपर छत पे नहीं रखे हुए अपने उड़ने वाले बच्चे, ये बिल्कुल ये नीचे वाली छत पे रखे हुए हैं ये। तो यहाँ पर जो सा ना पक्का करने का तरीका कुछ और होता है, ना मैंने कोई जाल बनाया हुआ, ना कोई वीडियो, लकड़ी का छोटा सा पिंजरा बनाया हुआ है, खुड्डा कह सकते हैं, खाना कह सकते हैं इसको, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं और आसमान में चले जाते हैं, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है सारी। तो आज इनका पहला दिन है ट्रेनिंग का, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। तो बच्चों को जो सा दाना है ना पहले दिन, बिल्कुल बारीक दाना नहीं देना आपने, माँ बाप से अलग करते, साथ ही कुछ लोग बाजरा चने और वो गंदम देना शुरू कर देते हैं, और सरों बारीक दाना जो उड़ने वालों को दे दिया जाता है वो नहीं देना आपने। कोशिश करें थोड़ा सा दरमियाना हो, बिल्कुल मोटा भी ना हो दाना, तो दरमियाना दाना हो। ये देखें उठा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं जब नए नए माँ बाप से अपने अलग होते हैं, और बिल्कुल बारीक दाना जो सा ना वो कमज़ोर कर देता है इनको। ये था उड़ने वाले कबूतरों का शौक, ये देखिए ये उड़े हैं दो। बाकी अब आज की सारी एक्टिविटी आपके साथ शेयर करते हैं। ये मेरा एक जोड़ा था, बहुत ही नायाब जोड़ा है, ये बच्चे पालता पालता इसे पता नहीं क्या हुआ, एकदम ना ये बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, और अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल मरने के करीब था, मतलब एक दिन और मेरा ना नज़र पड़ती, ध्यान पड़ता तो ये एक्सपायर हो जाना था, दोनों माँ बाप। बेटे इनका बिल्कुल ठीक है, बच्चा जो भी बेटा या बेटी है, तो दो दिन हो गए इनको अलहदा किया हुआ है यहाँ पे, मैंने इनको पहले यहाँ पे रखा हुआ था वो ऊपर वाले में, इनको अलहदा किया है यहाँ पर, इनका इलाज किया है, और बड़ी अल्लाह ताला ने करम नवाजी की है, ये अब काफ़ी बेहतर है। ये अपने कुछ चूज़े हैं असील, और ये देख सकते हैं आप यहाँ से बेहतर है, ये भी हल्का फुल्का शौक चलता साथ। और अब ऊपर अपने दो ब्रीडिंग सेक्शंस हैं, इनको दाना पानी डालते हैं, कुछ जोड़ों का शौक आपके साथ शेयर करते हैं, इनको दाना पानी डालते हैं, दाना इनका मैंने तैयार कर लिया, अगर आप करीब से देखें तो। अब मौसम बदल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मौसम बदलते मौसम के साथ दाना बदलना, तो अब मौसम बहार ही एक किस्म का चल रहा है, रात को फिर थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा हुई है बारिश, और काफ़ी ठंडी हवाएं चलती रही हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर मोट हैं, और मूंगी की दाल है, सरसों है, और पीसी हुई मकई है, थोड़ा सा टोटा चावल है, बाजरा है, सरसों है,
कुर्दम है। तो ये दाना लेकर तो चलते हैं ऊपर ब्रीडिंग सेक्शन में, वहाँ पे शौक शेयर करते हैं आपके साथ। ये दाने के बारे में तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पानी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पानी जो है ना, कोशिश क्या करें कि सादा पानी और ताज़ा पानी, ये दो चीज़ें इस्तेमाल करवाया करें अपने कबूतरों को, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली ना कोई दवाई, कोई ना कोई चीज़ डाली होती है उन्होंने पानी के अंदर, डेली नहीं हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये ज़रूर इस्तेमाल करवाएं अपने जानवर। फर्वी सोल प्लस इसका नाम है, और सिर्फ इसमें फर्वी सोल नहीं है जी। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं सिर्फ फर्वी सोल नहीं है, इसके अंदर मैंने टाइलोफर्सन और सीमोस्ट्रेस, ऑक्सीक्लोर, इस तरह के 2-3 पाउडर्स और मिक्स किए हुए हैं। कैल्शियम और विटामिन के लिए होते हैं बहुत अच्छे। अच्छा, ये अलग कर लिया हमने तकरीबन 80-90 कबूतरों के लिए, ये सिर्फ इतनी क्वांटिटी। ये भी मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 दिन से नहीं डाली। 80-90 कबूतरों के लिए ये पानी में आप डाल दें, इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको से मिलकर हम चला देंगे। ये हो गया पानी तैयार। ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी, दाना और पानी, क्योंकि व्लॉग बिला मकसद में बनाई जाऊंगा, उसका भी देख तो लेंगे आप, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। जी व्यूवर्स, पानी हमने डाल लिया है और अब हम दाना डालेंगे। कैमरामैन के फ़राइज हाशमिया सर अंजाम दे रहे हैं, और हाशमिया वीडियो बनाते बनाते ना खुद भी खुश हो जा रहे हैं कबूतरों के आने की वजह से। क्या हो रहा है तुम्हें हाशिम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। टीथ कहाँ पे आपके? जी व्यूवर्स, अरे डराना नहीं इनको। जी व्यूवर्स, ये सारा मामला है, बच्चे अलग कर दिए और काफ़ी हद तक कुछ रह गए हैं, जैसा कि सामने जीरा बच्चा देख रहे हैं आप, इनको भी उड़ने वालों में डालना हमने। ये नीचे एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये दबाज बच्चे हैं, इनको डालना उड़ने वालों में। और एक खुशखबरी ये है कि हमारा बहुत ही पसंदीदा जोड़ा, बहुत ही दिल के करीब जोड़ा, उसने आज फाइनली बच्चे निकाल लिए पहली दफ़ा, माशाल्लाह। ये देखें आप, ये सबसे खुश आइन बात है, ये मेरा बड़ा ही प्यार वाला जोड़ा था। ये सामने नर बैठा हुआ है, और इसकी फीमेल जो थी है ना, वो है दबाज फीमेल। ये इन्होंने फाइनली यहाँ पे बच्चे निकाल लिए। पानी हमने डाल दिया, कबूतर जैसे ही दाना खाएंगे पानी भी उठा लेंगे, बच्चों को भी चुगा दे देंगे, तो ये बड़ा अच्छा मामला हो जाएगा माशाल्लाह। ये बच्चों की पलवाई आप देख लें, इसी मेहनत का सिला है जो आप मेरी वीडियोस के अंदर देखते हैं। ये शौक है माशाल्लाह से मेरा, और सिर्फ मेरा नहीं, ये हाशमिया का भी शौक है। ये देखें आप हाशमिया को, फुल गुम हुए हैं कबूतर परवरी के अंदर, बैठ ही है नीचे हैं। दोस्तों, ना सिर्फ इस दबाज जोड़े ने, बल्कि मेरे इस बहुत ही प्यारे सुरखे जोड़े ने भी बच्चे निकाल लिए। ये देख सकते हैं आप, ये खतंग और सुरखा पेड़ लगाया हुआ मैंने। तो बच्चों के पास ही मैं बारीक दाना डाल देता हूँ, ताकि ये बच्चे खानों के अंदर रहते रहते ही जो सा ना खुद से खाने के काबिल हो जाए, स्ट्रेस में नहीं आते बच्चे। ये हो गया ये वाला शौक, अब उड़ने वाले हमारे देखते हैं किधर पहुँचे। ये व्यूवर्स देखें, 3 बच्चे जो से ना इकट्ठे उड़े, काफ़ी बुलंदी में भी चले गए माशाल्लाह। ये हमारा शौक है, दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई संडे। नीचे उन्होंने थोड़ा बहुत नहाना भी शुरू कर दिया, खुला पानी रखा था थोड़ा सा उनके सामने।
जी प्यारे दोस्तों, ये दो बच्चे जो थे ना, ये सवा घंटा डेढ़ घंटा फिर के तो ये आ गए। ये वही दो बच्चे हैं जो उनसे नंगे फिर रहे थे। ये देखिए, ये बैठ गए तकरीबन डेढ़ घंटे के करीब फिर रहे हैं। बाकी दो जो उनसे ना वो बुलंदी में चले गए, बंद हो गए, तो अब उनका इंतज़ार करते। ये देखें, दूसरा बच्चा भी नीचे उतरा है। जी प्यारे दोस्तों, ये बच्चा है, ये नीचे उतरा है, तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा चलें पहले इसका शॉक करवाते हैं आपको। धड़कन इसकी अभी भी काफ़ी तेज़ हुई है। ये गोल्डन बच्चा है व्यूवर्स, डेढ़ पौने दो घंटे फिर के है। इसके आँख का शॉक करें। अभी दो कली का बच्चा है ये, इसका पर, ये इसका दूसरा पर। काफ़ी तेज़ परों का कबूतर है। और ये इसकी दुम, ये इसके पंजे, ये ओवरऑल कबूतर बच्चा है अभी। जी दोस्तों, ये एक और बच्चा निकला है, बिल्कुल सीधा नीचे आई जा रहा है। देखें आप, ये बीट मारी हुई है इसने, ऐसे डाई नहीं मारते पानी के अंदर, वैसे डाई मारता हुआ सीधा नीचे उतर रहा। ये देखें, ये देखें ज़रा, इसके उतरने का स्टाइल चेक करें आप ज़रा। बिल्कुल नीचे उकाब की तरह ना डाई मारता है। ये देखें, बिल्कुल नीचे आ गए। ये चंद सेकंडों में ना आसमान से नीचे आया। देखें, चेक करें इसके काम ज़रा। दूसरा जो इसके साथ था उसका अभी भी कुछ नहीं पता। मतलब टोटल चार बच्चे छोड़े थे हमने, दो बिठा लिए और तीसरा ये है, और चौथा अभी भी बंद है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये दे गया तकरीबन ढाई घंटे की फिरत दे गया आज, जो कि काफ़ी है आज के लिए। ये अब यहाँ से आएगा घूम के दोबारा, बिल्कुल नीचे होगा। ये देखिए, चौथा मुझे लग रहा है आ गया। चौथा भी वो सामने ऊपर देखें, चौथा मुझे लग रहा है मेरे ही है। ये ऊपर बिल्कुल फिर रहा है। ये देखें ज़रा, इसके काम चेक करें आप। ये तीसरा वो टैडी बच्चा ये, और चौथा ये सामने। ये बच्चा बिल्कुल नीचे आ गया, और ये देखें बीट मारी इसने। ले जी, चौथा पूरा हो गया, तकरीबन पूरे सवा दो घंटे की फिरत दिया आज इसने। तो ये बांकों में से है ये मेरा बच्चा, काफ़ी अच्छी फिरतें दे रहा है माशाल्लाह से। पर खोल लिए इसने अपने। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।